हेलो बच्चों, हेलो। आई होप यू आर डूइंग गुड, आई होप यू आर डूइंग नाइस, आई होप यू आर ओके। सब ठीक है, सब भला है, सब एकदम तबीयत तबीयत सब ठीक है ना बच्चों? आई एम सुपर हैप्पी टू वेलकम यू बैक टू दिस सुपर ऑसम सुपर ब्यूटीफुल सेशन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले वेलकम तो हम करेंगे, हम बहुत सारी चीजों को लर्न करेंगे। विल ट्राई टू क्रिएट अ ब्रिज जो आपको क्लास 9 से क्लास 10th की तरफ खींच कर लाएगी। ठीक है, देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी ये सोच रहे होंगे, सर हम कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, कैसे हम 10th पे और ज्यादा अपनी पढ़ाई को और एस कर सकें, और कैसे हम और ताबड़तोड़ प्रिपरेशन कर सकें। देखो उसका सबसे बेटर तरीका पता है क्या है? सबसे मस्त तरीका, सबसे बेटर तरीका इज दैट यू कैन डेफिनेटली बी कंप्लीटली डिवोटेड टू द सेशंस वी आर टेकिंग। आपको पता है ये जो हम अभी सेशंस कर रहे हैं, मैं आपको हर शाम 7 बजे मिलता हूँ, हर शाम आपको मैं 7 बजे मिलने वाला हूँ। तो पहले तो ये टाइम रिकॉर्ड कर लो कि 7 बजे मुझे ये सेशन पे परफेक्टली अपने आप को वेलकम करना है सर के साथ। ठीक है, और फिर तो मजा आएगा। ठीक है, चलो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, विल ट्राई टू कम्प्लीटली रिवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैवीली हैवीली यूज्ड इन क्लास 10th ऑल्सो। हाँ, क्लास 9th में आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे आपने, एप्सिस और ऑर्डिनेट क्या होता है, अलग अलग क्वाड्रेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था। ये सारी चीजें अब बहुत मजे से आएंगी। ठीक है, सो एवरीबडी हैज टू कम्प्लीटली बी विथ मी, बेयर विथ मी फॉर लाइक नेक्स्ट 30-40 मिनट्स, फिर मजा आ जाएगा। सारी चीजें बहुत सिंपल है, और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों कि कहीं भी जाने का नहीं है, समझ रहे हो ना आप? पूरे सेशन में आपको पूरी प्रॉपर तरीके से, पूरी मेहनत से आपको यहीं पे रुकना है और इसको अच्छे से अटेंड करना है। उसके साथ साथ देखो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यू वुड बी एबल टू गेट अ लिंक। उस लिंक पे जाके व्हेन यू जो आप क्लिक करोगे तो यू वुड बी एबल टू गेट सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स एज वेल। अब क्या क्या होंगी वो, तो जब आप अपना ग्रेड सेलेक्ट करोगे तो यू वुड बी एबल टू एनरोल इनटू बहुत सारे जो वेदांतों के खुद के सब्सक्रिप्शंस हैं, आपको उसमें काफी सारी चीजें मिल रही हैं। तो सेशन नंबर 2021 तो खत्म हो गया, हम बात करेंगे सेशन 2022 वालों के लिए, मतलब उन बच्चों के लिए जो लोग 2022 में अपने बोर्ड्स को अपियर करने वाले हैं। मतलब 2022 में जो बच्चा बोर्ड्स को अपियर करने वाला है उसके लिए। तो देखो कई सारे बच्चों को डाउट होता है, सर हम पूरे साल लेकर क्या करेंगे? सर कोई जरूरत तो है नहीं हमें, क्योंकि हमें पता है कि हम 1 महीने में इतना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, यू कैन गो फॉर 1 मंथ ऑल्सो। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर 1 मंथ का ले रहे हैं तो क्या हम कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर पाओगे आप, डेफिनेटली, क्योंकि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म सेशंस या फिर लॉन्ग टर्म बैचेस में एनरोल नहीं होंगे, आपको माइक्रो कोर्सेज मिलेंगे, अलग अलग चैप्टर्स के माइक्रो कोर्सेज मिलेंगे, आप अलग अलग और बहुत सारे कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो। साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज इसके बारे में आपको बताऊंगा, बट पहले हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों डू नॉट इवन थिंक अबाउट कि हमें क्यों जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों जाना तो चाहिए, तो पक्की बात है, ये आपका टीचर आपको खुद रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, और नॉट फ्रॉम सम अदर पर्सपेक्टिव, बट इस पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि टाइम बहुत खराब चल रहा है, 2020 हमारा ऐसे ही निकल गया, ना कुछ खेले, ना कुछ कूदे, ना कुछ मजे किए, ना कुछ घूमा हमने, हम घर पे रह गए। लेकिन हमारी लर्निंग कहीं ना कहीं घर पे रहने के बाद भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई, मतलब इफेक्ट हुई आप कहोगे उसको, एक अच्छा खासा जर्क सा लगा अपनी हमारी लर्निंग को। कैसे? आपको पता है पहले आप स्कूल जाते थे तो फिर आप बहुत सारी चीजें लर्न करते थे, खेलते थे, फ्रेंड से बातें करते थे, और बहुत सारी चीजें होती थी। अब क्या है, आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, घर पे बैठ के आपकी लर्निंग को और बेटर बनाना है। तो ये चीज आई थिंक गोइंग टू हेल्प यू अलॉट एंड अलॉट। तो यू डोंट नो द टाइम, सो डोंट वेस्ट टाइम एंड गो फॉर इट। ठीक है, एंड यस फॉर द डिस्काउंट्स यू कैन यूज माई कूपन कोड, वो वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, उसका नाम है डीपी प्रो। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आइंस्टाइन बाबा ने बोला कि स्टार्ट करो सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। देखो पहले तो ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें जरूरत क्यों पड़ी। सोचो ना आप सोचो, मतलब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैंने बोल दिया कि रमेश का घर यहाँ पे है, रमेश यहाँ पे रहता है, तुम कहीं पे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे बोला कि तुम ऐसा करना, तुम अगर किस रोड पे खड़े हो, तुम वहां से पहले लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर एक और लेफ्ट लेना, फिर एक और लेफ्ट लेना, फिर एक और लेफ्ट, फिर राइट कर करके आप इसके घर पहुंच जाओगे।
अब ये हर बार तो पॉसिबल नहीं होगा ना, अब आबादी बढ़ रही है, घर घर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर मैं अब आपको इतने सारे लेफ्ट राइट बताऊंगा, आप भूल गए, तो मैं खुद भूल गया बताते हुए। तो आपने देखा होगा कि हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्या, GPS, फोन पे। और आपने देखा होगा ओला उबर ऐसे बहुत सारे कार्स होते हैं जो लोग ऑलरेडी, उन लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है वो गूगल मैप वहां पे। तो अब हुआ क्या, ये गूगल मैप वर्क किस चीज पे करता है? तो आपने देखा होगा बच्चों कि उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ डिग्रीज में दिया होता है। अगर आप अपनी उस पर लोकेशन सर्च करोगे ना, तो कुछ डिग्रीज में आपको बताएगा कि ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो बेसिकली आपको उसकी हेल्प से वो पोजिशन करता है कि हाँ, आप इस कंप्लीट अर्थ के इस पोजिशन में आप रह रहे हो या एग्जिस्ट कर रहे हो। तो ये क्या होता है, इस पता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट एडवांस्ड काइंड ऑफ आप कह सकते हो यूज है। अब कैसे होता है यूज, तो बेसिकली आपको पता है कि जब पहले लोग कम होते थे तो आराम से काम चल जाता था कि हाँ ठीक है यार, तुम यहां से लेफ्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना, फिर तुम अमिताभ बच्चन के घर पहुंच जाओगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स ज्यादा हो गई, अभी आबादी बढ़ रही है, लोग ज्यादा आ रहे हैं। अब मैं अगर लेफ्ट राइट बताऊंगा तो या तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या तो वो कंफ्यूज हो जाएगा जो सुन रहा है मेरे को, और बोलेगा ये पागल यार ऐसे बताता है, सीधे मैप पे बताना, लोकेशन भेज। तो लोकेशन अब आप भेज सकते हो बच्चों। तो इसका एक बहुत एडवांस्ड यूज है। जैसे आप बताते हो ना कि जैसे आप घर पे लेटे हो और दीवार पे ना कुछ ऐसा 5 सेंटीमीटर ऊपर आपने देखा या 5 मीटर ऊपर देखा कि एक बड़ी सी ना चींटी मकड़ी है जो आपको स्पाइडरमैन बनाने वाली है भी। तो आपने तो बोला मम्मी से, अरे मम्मी अरे देखो यार ये दीवार में छिपकली है, मम्मी कुछ 6 मीटर ऊपर है दीवार में छिपकली, महल है आपका घर। तो प्रॉब्लम क्या हुई ना, आपने एक्चुअली में ना यू ट्राई टू पोजिशन दैट लिजर्ड, जो जो छिपकली जो भी है। तो आपने क्या बोला, आपने कुछ बताया ना, डिस्टेंस बताया कि यार ये कुछ ना 2 मीटर ऊपर है दीवार पे, जमीन से 2 मीटर ऊपर है छिपकली। तो फाइनली ना आप अगर आपको उसको गिराना है, नीचे निकालना है, कुछ भी करना है, तो बेसिकली आपको उस अकॉर्डिंग स्टिक लानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, अब आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बड़ा जाल है और ये सारे उसके अंदर आते हैं। ठीक है, देखो हम जो पढ़ेंगे वो होगा कार्टेशियन प्लेन। इसमें क्या होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है जिसका नाम हम वाई एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जिसको हम, लाइक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो जिसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के होती है और जहां पे मिलती है ना वो होता है हमारा 0,0, या फिर हम उसको ओरिजिन बोलते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर है, एक बार बता दो। और सुनो बच्चों, को पता है 7 बजे मैं आपको हर दिन इसी चैनल पे यहीं पे मिलने वाला हूँ, सो बिल्कुल भी आप गलती नहीं करोगे, एकदम तरीके से पढ़ाई होगी। इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। बहुत सारे बोलेंगे नहीं सर हम नहीं जा पाएंगे सर, वो DP प्रो कोड आपका नहीं लगा पाएंगे। कोई बात नहीं यार, YouTube पे तो आराम से आप पढ़ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से यहाँ पे पढ़ो, ठीक है, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, चलो, हमने ये सारी चीजें तो क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखी थी, और हमने ये भी पढ़ा था कि 4 क्वाड्रेंट्स जो होने वाले हैं, थोड़ी लाइन खराब बन रही है पर कोई बात नहीं। तो ध्यान से देखो, ये हमारा हो गया 0,0, ये हमारा हो गया पॉजिटिव एक्स, और ये हमारा हो गया नेगेटिव एक्स, ये हमारा हो गया पॉजिटिव वाई, और ये हो गया हमारा नेगेटिव वाई। अब आप खुद सोचो, कुछ लोग बोलेंगे सर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको लेते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट हम इसी को क्यों लेते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट इसको लेते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट हम इसी को क्यों लेते हैं। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो चेक कर सकते हैं ना, फर्स्ट ऊपर और सेकंड हम नीचे, जहां पे फोर्थ है वहां पे भी हम सेकंड बोल सकते हैं। तो हुआ क्या बच्चों कि जो पहला नोशन एक्सेप्ट किया गया ना, हमने सारे काम उसी के अकॉर्डिंग कर दिए। तो फिर क्या हुआ, देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप सेकेंड वाला क्वाड्रेंट नीचे लो लो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट उसके अकॉर्डिंग आपको सारी कैलकुलेशन, सारे कॉन्सेप्ट में जो आपने सेकेंड क्वाड्रेंट वहां पे लिया है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उसको फिक्स कर दिया अल्टीमेटली, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें करने चालू कर दी। अब आप देखो, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें हमारे देखो एक्स के भी हम पॉजिटिव साइड पे हैं और वाई के भी पॉजिटिव साइड पे हैं, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, सिंपल है। हम जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो हमने देखा कि हम एक्स के नेगेटिव साइड पे हैं लेकिन हम वाई के पॉजिटिव साइड पे हैं, तो बढ़िया बात है। हम जब थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो हमने देखा हम दोनों के नेगेटिव साइड पे भी, एक्स के भी नेगेटिव साइड पे, वाई के भी नेगेटिव साइड पे हैं, तो माइनस कॉमा माइनस, और फाइनली प्लस कॉमा माइनस। ये काफी सिंपल चीजें हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होंगी और काफी अच्छा है। अब कोई पॉइंट, अब देखो अगर मैंने बोला सर
बच्चों ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? मैंने बोला आपको बहुत प्यार से समझाया, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है जो मैंने अभी एक डॉट बनाया, या फिर हमारा ये वाला पॉइंट, या फिर एक सेकेंड ना, हमारा कोई ये वाला पॉइंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, बोलते सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, पर ऐसा नहीं है, वो हमारा एक्स एक्सिस पे है। पहला वाला जो हमने ऊपर देखा वो वाई एक्सिस पे है, वो ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ना तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। काफी सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। और ये हमको पता होगा, मतलब ऑरिजिन तो आपको पता है, क्वाड्रेंट्स मैंने खुद बता दिए आपको, ये आपका रिवाइज हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको दिमाग में रखने हैं, दिल में रखने हैं, जहन में रखने हैं, और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है? चलो, ओके। सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा। देखो कुछ बहुत बड़ी सी चीज नहीं है ये, आप बस एक छोटा सा काम करो। आपने बनाया क्या, यू ट्राई टू मेड और यू ट्राई टू मेक बेसिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक कोई पॉइंट था यहां पे, लेट अस से दैट देयर वाज अ पॉइंट ओवर हियर, एंड तो हम पता करेंगे कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। जो लिखने का ऑर्डर होता है वो होता है एक्स कॉमा वाई, ठीक है? मतलब पहले आप एक्स लिखते हो, फिर आप उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखते हो। अब समझो मेरी बात, यहां पे एक बहुत प्यारी सी बात बोली गई है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो y एक्सिस से वो कितना दूर है, कितना दूर है, कितना दूर है, परपेंडिकुलरली आपने पता किया, एक्चुअली में वो क्या है, एक्चुअली में उसने x एक्सिस में कितना ट्रेवल किया, ध्यान से देखो, वो x एक्सिस में उसने कितना ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, इससे हमें पता चलता है x कोऑर्डिनेट। या फिर आप एक काम करो, अगर आप एक रेक्टेंगल ऐसा बनाओगे तो आपको पता चलेगा दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। तो हम इसको दूसरे टर्म्स में भी समझ सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट चला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 3 यूनिट्स चला तो उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी हुई, 3 यूनिट्स, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 3। सिमिलरली अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो वाई एक्सिस पे कितना चला, मान लो 2 यूनिट चला, तो सेम लेंथ हमारी उसकी, हमें पता चलेगा कि सेम लेंथ वुड बी एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो उसकी y कोऑर्डिनेट हो गई 2। तो ये बहुत सिंपल है और आप काफी सिंपल तरीके से ये सॉल्व कर सकते हो, और सिमिलर कंडीशन इज फॉर द y कोऑर्डिनेट एज वेल। काफी सिंपल है, ठीक है? तो याद रखना है, जोर से याद रखना है इसको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और एक छोटा सा पजल सॉल्व करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कहा गया है, ऐसा इसमें कुछ फालतू की चीज लिखी हुई है कि ओनली 2% स्टूडेंट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी, 2 नहीं बच्चों, ये 200% स्टूडेंट होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे बच्चों ने सॉल्व किया और आप भी कर लोगे। जल्दी बताओ, क्विक सोचो, थोड़ा सोचो कैसे करेंगे। 5 + 3 + 2 को बोल रहा है ये 151022, पता नहीं यार क्या कर रहा है ये। 924 को बोल रहा है, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये तो कुछ और ही बोल रहा है करने के लिए, पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या करने को बोल रहा है ये। चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, इतना तो समझ में आ गया कि 5 × 3 किया तो यहां पे 15 आ गया, फिर क्या किया, फिर 5 × 2 किया तो यहां पे 10 आ गया, चलो ये भी ठीक है। अब क्या किया है, मेरे को पता करना पड़ेगा 22 कैसे आया, 20, ओहो ओहो ओहो, समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया कैसे, पता कैसे आया, पता कैसे आया, 5 × 3 किया और +3 × 2 किया तो 22 आया, ये हो गया 15 + 6, नहीं यार ये गलत है, पता नहीं ये तो गलत है, इसको भी देखते देखते क्या यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा। तो 9 × 2 किया तो 18 आया, ठीक है, फिर 9 × 4 किया तो 36 आया। अब ये 52 कैसे आया भाई, ये तो मतलब पता नहीं, चलो देखते हैं। यहां तो ये लॉजिक तो सही है, 8 × 6 = 48 और 8 × 3 = 24, चलो यहां तक तो बिल्कुल सही है। तो और ओ भाई साहब, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया समझ। एक काम करो, ये 66 पता है कैसे आया, 8 + 3 किया और उसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, ये आ गया 11 × 6, कितना आ गया, कितना आ गया भाई 66, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो पहले 7 × 2 करो कितना आएगा 14, फिर 7 × 5 करो कितना आएगा 35,
फिर एक काम करो, चौप कम करो, बोला क्या करना है सुनो ध्यान से, ठीक है? ये काफी सिंपल है, 7 + 5 को ऐड करो तो 12 आएगा, और 12 टाइम्स जो बीच वाला नंबर है 2 करो तो यहाँ आएगा 24, और इसको बोलते हैं इसका खात्मा, इसका इसका फिनिश बोलते हैं इसको, फिनिश। एवरीबॉडी गिव मी हाई फाइव। पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। आई थिंक ये सिंपल था, मेरे को लग रहा है कुछ और ही लॉजिक तो नहीं लगा दिया है, पता नहीं, देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक यार हो सकता है कोई और लॉजिक भी लगाया हो, पर ये तो मेरे को लॉजिक करेक्ट लग रहा है। एक और देखते हैं, ये आखिरी वाले में ना मेरे को डाउट हो रहा है, मेरे को डाउट हो रहा है। चलो एक को तो मैच करके दूसरे का मैच करके देखते हैं। तो 5 + 5 होता है कितना, 10, और 10 × 4 होता है कितना, 40 होता है यार ये तो। एक मिनट ये चेक करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है कि ऐड कर रहा है एक्चुअली में, देखो +1 कर रहा है, यहाँ पे 21 आया और +1 किया है, यहाँ पे कितना आया था यार, यहाँ पे तो एग्जैक्ट 66 आ गया था, फिर पता नहीं यार, मतलब यहाँ पे भी शायद एग्जैक्ट 24 आना चाहिए, फिर या तो 24 आएगा या तो 25, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, पता नहीं, जो भी। तो लेट मी सी अगर कुछ पॉसिबिलिटी है, तो फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं, तुम देख लेना, बाकी आंसर बताना चैट बॉक्स में, मैंने गलत किया है सही किया मेरे को नहीं पता। अरे भाई ये कैसे हो गया। चलो देखते हैं, 14 और 35 तो बिल्कुल सही था, एक सेकेंड रुको, है ना, यहाँ पे हमारे पास, या मेरे को भी नहीं पता था ये, हाँ बिकॉज आई डोंट सी दीज क्वेश्चन, ठीक है? तो 14 और 35 तो बिल्कुल सही था, ये मेरा भी सही था, आपका भी सही था। आखिरी वाला कैसे आया, ओ भाई साहब आई गॉट दिस पार्ट, भाई ये तो टफ है यार। चलो ठीक है, तो आखिरी वाला पता कैसे आया, आपने पहले 5 × 3 किया, फिर आपने 5 × 2 किया, और फिर उसमें आपने -3 किया। भाई ये तो लॉजिक गड़बड़ है यार, मेरे को नहीं पता था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सिंपल है पर टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, एक बार आप करना। और पता है ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चंस करते हो ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हो, तो फाइनली वो ऐसे ही आंसर आता है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल उठाया कोई भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और वो हमें करना जरूरी है। एक क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं और सिंपल है, ये अपने कोऑर्डिनेट का है। ये नहीं है लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेट का है। What will be the perpendicular bisector, ठीक है, of the line joining the point -3, 0 and 3, 0? ये काफी सिंपल है, बहुत हद हद सिंपल है, कुछ नहीं, ध्यान से देखो। आपने बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों बना दो एक्स और वाई, ठीक है, -3, 0 कहां पे आएगा, मेरे ख्याल से देखो -3 मतलब ये है आपका x कोऑर्डिनेट और ये है आपका y कोऑर्डिनेट, मतलब आप x में कितना चल रहे हो, -3, तो ये कहीं पे हो जाएगा -3, -3, और y में तो आप कुछ चल ही नहीं रहे हो, तो 0 हो गया। एक है आपका 3, 0, तो मेरे ख्याल से वो कुछ x में कितना चल रहे हो आप, 3 चल रहे हो, और y पे कितना चल रहे हो, 0, शून्य चल रहे हो। एक बात बताओ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होएगा? यार सिंपल है यार, यहां पे भी डिस्टेंस 3 है, यहां पे भी डिस्टेंस 3 है, तो बाइसेक्टर तो भैया ओरिजिन है, पर क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई एक्सिस होता है, इट्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारा जो वाई एक्सिस है, इट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहीं से क्वेश्चन खत्म। सिंपल था यार, ये काफी सिंपल था, ठीक है, और सिग्नल मिल गया तो काफी सिंपल है, आप देख सकते हो। एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें ये जो पॉइंट्स देके रखे ना, ये हमें प्लॉट करने हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में। अपन कुछ क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखो 9th क्लास में आपने प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ तो अच्छे से सीखा था, काफी बढ़िया तरीके से सीखा था, पर यहाँ पे थोड़ी और उसको अंडरस्टैंडिंग अपन बेटर करेंगे। 5, 1 देखो कहां पे है, 5, तो देखो 5 आपका x और ये है आपका ऑर्डिनेट, ये एब्सिस है, 5 आपका x एक्सिस पे आप कितना चल रहे हो, 5 चलते हैं, ये रहा, और y एक्सिस पे आप कितना चल रहे हो, सिर्फ 1, +1 की तरफ, ये हो गया आपका क्या क्या 5, 1, और यहां से हमारा काम हो गया, यहां पे खत्म, टाटा बाय बाय। -2, -5, बहुत सिंपल से टर्म्स में समझो, -2 चलना है आपको x एक्सिस पे, तो चल दिया, ये रहा -2 x एक्सिस पे, -5 चलना है हमें y एक्सिस पे। तो अब ध्यान से देखो, -5 तो नीचे आएगा ना, ऊपर तो आएगा नहीं भाई, वो तो +5 की तरफ जाएगा, वो तो +5 एक्सिस है, नीचे आएगा, तो भाई साहब, तो ध्यान से देखो, लोकेट करो,
-2 के करस्पॉन्डिंग हमने बनाया एक लाइन, बना लिया बना लिया बना लिया बना लिया बना लिया बना लिया, बना लिया। और -5 वाई वाई एक्सिस का -5 कहाँ है? यहाँ पे है नीचे कहीं। और भाई जहां पे दोनों मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट का नाम है क्या? -2, -5। काफी सिंपल है यार ये, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। ठीक है, अब 0, -1 पे चलते हैं। तो 0 तो ठीक है, 0 हमारा x एक्सिस पे 0 है, ठीक है, और -1 ऑन द y एक्सिस, बात ही खत्म हो गया, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। इसका नाम रखेंगे 0, -1, सिंपल सी बात है। अब 4, -3 पे देखते हैं। तो 4 x एक्सिस, ठीक है, तो 4 पे आप ऐसे लाइन बना दो। आपको पता है हम नीचे ही क्यों बना रहे, व्हाई आर वी ट्राइंग टू, लाइक हम उसको नीचे ही क्यों बना रहे? द रीजन बीइंग हमें पता है कि -3 जो y एक्सिस का है वो तो नीचे बन रहा है, तो हम इतना ज्यादा क्यों फालतू में वहां पे ऐसे भसड़ मचाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, 4, -3। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लेना, काफी सिंपल। ठीक है, सो जस्ट गिव मी हाई फाइव एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से एक हाई फाइव तो मेरे को आप चैट बॉक्स पे दे सकते हो, दूसरा हाई फाइव मेरे को आप कमेंट बॉक्स पे दोगे, और ताकि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को तरीके से कर सके, रिवाइज कर सके, ताकि जब आप इसको क्लास 10th में एक्चुअली करोगे। देखो क्लास 10th में आप क्या पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट्स में आप पढ़ोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, आप पढ़ोगे सेक्शन फॉर्मूला, आप पढ़ोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप पढ़ोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। अब उसके लिए प्रिपरेशन तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, तो करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे यार, मजाक थोड़ी ना है। यस, सो बच्चों इसको भी आप सारे पॉइंट्स ऐसे ही प्लॉट कर सकते हो, काफी सिंपल है। ठीक है, ये कुछ आखिरी के पॉइंट्स आपके लिए मैं प्लॉट कर देता हूं। देखो एक्स एक्सिस पे आपने 0 चला, एक्स एक्सिस पे आप चले ही नहीं, पर वाई एक्सिस पे आप +5 की तरफ चले, तो ये हो जाएगा आपका 0, 5। काफी सिंपल है, 0, -4 मतलब एक्स एक्सिस पे तो आप चले ही नहीं भाई 0, लेकिन वाई पे आप -4 की तरफ गए, क्या ही बात है, 0, -4। बहुत सिंपल है ये, काफी सिंपल है। 0, 0, ओहो ये सबसे टफ क्वेश्चन था, 0, 0 सबसे टफ है। ठीक है चलो ओके, सो ये हमारा पार्ट था जो हमने कंप्लीटली इसका रिवाइज किया। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब भी आप क्वेश्चंस करने का आंसर कर रहे हो, तो आप प्लीज ध्यान रखो कि दिस इज वन ऑफ द चैप्टर विच इज एक्चुअली कॉमन इन क्लास 9th एंड क्लास 10th ऑल्सो। तो अगर आपका 9th का बेसिक्स थोड़ा स्ट्रांग है ना, तो आप क्लास 10th में इसको किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हो। और ट्रस्ट मी ये कोऑर्डिनेट वाली जो चीज है ना, ये आपको 11th और 12th में भी अच्छा खासा यूज आएगी। ठीक है, तो दैट्स इट, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो बच्चों अब यहां पे हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करना बहुत 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 जरूरी है। देखो बहुत सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि YouTube पे जब आप सेशन करते हो ना, तो बहुत सारे हमें इश्यूज फेस होते हैं। कैसे? आप क्विजेज नहीं कर पाते हो, आप ये खुद को चेक नहीं कर पाते हो कि आपने कितने बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन की इसी चैप्टर की। ठीक है, आप क्वेश्चंस तो कर लेते हो, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव नेचर और ये सारा कुछ जो हमें गेन करना पड़ता है ना, और गेन करना जरूरी भी है, वो कैसे आप गेन कर सकते हो? तो अभी मैं आपको कुछ बहुत स्पेशल चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड एवरीबडी हैज टू कम्प्लीटली कम्प्लीटली लिसन टू दैट, और कम्प्लीटली पूरे पूरे आंख कान सब यहीं पे लगा दो। ठीक है चलो, तो देखो पहली चीज तो ये देखो, व्हेन यू टेक अ सेशन इन वेदांतु, मतलब वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे आके, तो यू वुड बी एबल टू गेट समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विथ फन एंड हाई लेवल क्विजेस। अब देखो इसमें क्या होता है कि अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का मतलब तो मैं आपको बताऊंगा, बट फन एंड हाई लेवल क्विजेस का मतलब क्या है? मतलब आपके क्वेश्चंस क्विज के फॉर्मेट में होंगे, आपके पास लीडर बोर्ड होगा, आपके पास फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट होगा, ये सारी चीजें आपको एक सेशन के अंदर मिलने वाली है। सेकेंड चीज देखो, यू कैन कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब आप सोचो कि आपकी क्लास में अगर इतने सारे बच्चे हैं, जब आपका नाम लीडर बोर्ड पे दर्शाएगा, दिखाएगा, आएगा, तो कितना मजा आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इसका मतलब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कोई सेशन कर लिया, ठीक है चलो कल हमारा लेट से हमारा पॉलिनोमियल का सेशन हुआ, ठीक है कोई भी चैप्टर लेट से हमारा पॉलिनोमियल का कोई सेशन हुआ। ठीक है, अब आपने क्या किया, पॉलिनोमियल के सेशन को सपोज करो आपने कुछ क्वेश्चंस मिस कर दिए, या फिर कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, या फिर शायद आप कभी लेट आए क्लास में, तो पता है क्या यहाँ पे फायदा है,
यू वुड बी एबल टू रीप्ले द सेशन. नॉट जस्ट दैट, टीचर का लिखा हुआ नोट्स अलॉन्ग विद द स्लाइड्स ऑफ द सेशन यू वुड बी एबल टू डाउनलोड. और एक और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, रिप्लेस में भी आप क्विजेस खेल पाओगे और आपका नाम लीडर बोर्ड पे आ पाएगा. मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैं रिप्ले देख रहा हूं. क्या बात है. उसके बाद मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ आप टीचर के लिखे हुए नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, बट ऑल्सो आप अपने टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, एवरी सिंगल थिंग. इन क्लास में डाउट सॉल्विंग तो होती है. ये कैसे होता है बच्चों, तो सपोज करो हमारा सेशन हो रहा है ना, ठीक है, हमारे यहाँ पे सेशन चल रहा है, ठीक है. तो सेशन में क्या होता है कि हमारा इन क्लास तो डाउट सॉल्विंग हो ही रहा है. मतलब आपके पास एक सेशन में हो सकता है कि आपके मास्टर टीचर से भी ज्यादा टीचर्स हों, और बेसिकली 3 या 4 टीचर्स हों एक सेशन के अंदर. कुछ टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे और कुछ टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है. 5000+ माइक्रो कोर्सेस. देखो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है. जो माइक्रो कोर्सेस होते हैं हमारे, आपने कभी किसी टॉपिक में आपने फॉर एग्जाम्पल लैग कर गया, अब आपको वो टॉपिक वापस से पढ़ना है, और यू वॉन्ट टू स्टडी दैट टॉपिक फ्रॉम सम अदर टीचर, यू हैव द इंडिपेंडेंस. ये सारी चीजें, नॉट जस्ट दैट, माइक्रो कोर्सेज में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते, फॉर एग्जाम्पल NTSC, ओलंपियाड्स, बहुत सारे पेपर्स, उनके लिए भी आपके पास एक्स्ट्रा और अलग से कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें आप एनरोल कर पाओगे. अब ये सब कैसे पॉसिबल होता है, ये सब तब पॉसिबल होता है जब आप ये कूपन कोड लगाकर डिस्काउंट्स के लिए अप्लाई करते हो. सुनो, आप बोलोगे सर हम पे क्यों करें, मतलब हम YouTube पे कर तो रहे हैं, क्या दिक्कत है. देखो YouTube के अपने खुद के कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसको ओवरकम करने में शायद टाइम लगेगा. तो जब तक ओवरकम होगा तब तक आपका 10th तो निकल जाएगा. फिर क्या होगा, फिर आपको रियलाइज होगा, अरे नहीं यार करना चाहिए था, अच्छा था वो. सो यस, डोंट मिस द चांस, गो फॉर इट राइट नाउ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी हुई है. ये जो सब्सक्रिप्शन आपको मैं बता रहा हूं, बेसिकली ध्यान से सुनो, ये आपका फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको इसके ऊपर पूरा डेटा बताऊंगा, देन यू वुड बी एबल टू हैव अ क्लियर पिक्चर. जैसे आप करोगे सेशन 2022 के लिए अप्लाई, ठीक है. अब कोई बच्चे को डाउट है कि नहीं सर मेरे को ना पहले चेक करना है, उसके बाद में फिर फुल लॉन्ग पूरे ईयर के लिए आई विल बी गोइंग फॉर इट. तो यस, यू हैव द चांस, आप एक मंथ के लिए यू कैन गो फॉर इट फॉर 1 month, एक महीने के लिए जाओ, देन फाइनली यू कैन चूज वॉट. बोलो फिर अगर आपको बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया. और पता है सबसे अच्छी चीज, ये एक महीने वाले में भी आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो. तो बस, और पता है सबसे अच्छी चीज क्या है, कूपन कोड लगाने के बाद आप मेरे बैचेस, मेरे सेशंस, मेरे लॉन्ग टर्म माइक्रो सब में आप एनरोल कर सकते हो, और आपको मजा भी आएगा, ठीक है. सो डू नॉट मिस द चांस, क्योंकि बच्चों डोंट लुक फॉर द प्राइस, लुक फॉर द अमाउंट ऑफ नॉलेज लर्निंग and the amount of you can say the brain you are gonna get over there. तो मजा आएगा बच्चों, brain तो आपके पास already है, बस उसको थोड़ा polish करने का ना ऐसा technique होता है जो हमको पता होता है, ठीक है. So come there, learn from there, it's going to be super duper nice. एक और important चीज बताता हूँ. देखो 10 मई को CBSE के batches हो रहे हैं start. देखो बहुत important है, अगर आप ये चीज miss कर रहे हो ना, मतलब शायद आप बहुत important detail miss कर रहे हो. तो आप CBSE देखो, 10 मई से CBSE के बैचेस हैं स्टार्ट, सारे बैचेस, नॉट जस्ट CBSE, ICSE, आप कोई और JEE, NEET, कोई भी एनीथिंग, तो उन सब के डेट्स यहां पे दिए हुए हैं, और CBSE के डेट्स भी आपको यहां पे दिए हुए हैं. तो डू नॉट मिस द चांस, गो फॉर द लिंक, अप्लाई माई कूपन कोड विच इज DP प्रो, एंड देन यू वुड बी गेटिंग लॉट्स ऑफ सेशंस जो मैं ले रहा हूं, या फिर और हमारे जो बेहतरीन टीचर्स ले रहे हैं सेशंस, वो सब में आप जा पाओगे और ढेर सारी क्विजेस, ढेर सारी लर्निंग गेन कर पाओगे. दैट्स इट.